सियासत की इस लैला का मतलब ओवैसी को लेकर बवाल मच गया है। चाहे सत्ता पर काबिज ममता हो या फिर बीजेपी से लेकर वामदल, हर किसी की जुबान पर ओवैसी का नाम है। भारत की सियासत का मैं लैला हूँ। लैला के आने से बिगड़ा दीदी का खेला। ओवैसी लैला लैला चिल्लाएंगे, बंगाल का वोट पाएंगे। यही वो तस्वीर है जब वो ओवैसी बंगाल आए और ऐलान कर दिया कि वो भारतीय सियासत की ऐसी लैला है जिसके मजनू हजारों हैं। जिस वक्त हैदराबादी भाईजान ने यह अजीबो गरीब ऐलान किया, उस वक्त सूबे की सियासत में मुस्लिम वोटर्स के बीच खासा दबदबा रखने वाले पीरजादा अब्बास सिद्दीकी भी मौजूद थे। भारत की सियासत का मैं लैला हूँ और मेरे मजनू बहुत है, तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। जाहिर है ओवैसी ने लैला मजनू वाले जुमले के जरिए ये जताना चाहा कि बंगाल में भी उनके चाहने वालों की कमी नहीं है। पुरपुरा शरीफ दरगाह और अब्बास का ओवैसी के साथ मिलना आने वाले विधानसभा चुनाव के गणित में बड़ा उलटफेर भी कर सकता है। इसीलिए जहां कभी ओवैसी सियासी जंग में नजर नहीं आए, वहां अचानक ऐसी लैला बन गए जिनका नाम हर किसी की जुबान पर है। चाहे वो बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा हो, सूबे की सीएम ममता बनर्जी या फिर लंबे समय तक शासन कर चुके वामपंथी दल। ऐसा इसलिए क्योंकि बंगाल में कुल 294 सीटें हैं, जिसमें से 145 सीट पर मुस्लिम वोटर ही नतीजे तय करता है। 46 सीटों पर 50% से ज्यादा मुस्लिम वोटर हैं, जो मालदा और मुर्शिदाबाद के इलाके में हैं, जिसमें उर्दू बोलने वाले ज्यादा हैं। 2016 के चुनाव में टीएमसी ने 211 सीटें जीती थी, जिनमें से 98 सीटें मुस्लिम बाहुल्य इलाके की थी। इसी वजह से ओवैसी ने पुरपुरा शरीफ दरगाह के पीर ज्यादा अब्बास सिद्दीकी के साथ हाथ मिलाया। लेकिन दिलचस्प तो यह है कि सियासत की इसी लैला को लेकर अब अब्बास और उनके चाचा में भी मतभेद की लकीरें खिंचाई हैं। एक्चुअली उन्हीं उन्हर वक्तव्य दिए थे जो हमार विषय बोलें, जो अपना विषय में सब जानी सुनी সেই জায়গায় বাংলায় আমি আসছি, লড়াই করব। তো আমি আপনাকে সাথে আপনার পিছনে থেকে আমি লড়াই করতে ইচ্ছুক, আমি পিছনে থেকে লড়াই করব। উসকে বাত শুনকে হাম বলে ও সিয়াসত কি পাগলা হো, ও পাগলা হ্যায় ইসলিয়ে এসি বাত বোলে, ও ও শের মানতা হ্যায় নাই নাই শের নাই, বিল্লি কা তালাব ইহা কা আদমি জানতে উসকো, উসকা জায়গা ইহা নাই হ্যায়, ও সিয়াসত কি পাগলা হ্যায়। असदुद्दीन ओवैसी से अभी हैदराबाद यानी भाग्यनगर संभल नहीं रहा। नगर निकाय के चुनाव से भगवाकरण की शुरुआत हो गई, लेकिन बंगाल में मुस्लिम आबादी को देखकर हैदराबादी भाईजान को एक मौका दिखा और वो कूद पड़े बंग की इस जंग में। लेकिन बंगाल का इमाम एसोसिएशन, बंगाल में रहने वाले मुसलमानों की अगुवाई करने वाली तंजीमें और यहां तक कि बंगाल के मुसलमान को मंजूर नहीं है कि नफरत की सियासत करने वाले ओवैसी बंगाल में जहर बूझी जबान का इस्तेमाल करें। माइनॉरिटीज दर वोट भाग करवा जुन्नो अमर हैदराबाद में एक टा पार्टी के धोरे ने जी शेही पार्टी टा बड़े खाने को एक टा का जुगाड़ करे बीजेपी टाका दे और बीजेपी टाका वो रहता करे। अब ममता बनर्जी अगर ये कह रही हैं तो ममता बनर्जी को अब तक साबिका पड़ा है मीर जाफर और मीर सादिक से। ममता बनर्जी को एक मुसलमान से अभी तक साबिका नहीं पड़ा, वो पड़ जाएगा। ओवैसी ने सोचा था कि बंगाल में जाएंगे और यहाँ मुसलमान उनका ऐसा स्वागत करेगा कि वो ममता दीदी के किले को चुनौती दे देंगे। ऐसा हो सकता था अगर पुरपुरा शरीफ में जिस तरह असदुद्दीन ओवैसी का स्वागत एक अच्छी खासी भीड़ ने किया, वो ओवैसी के समर्थकों में बदल पाती। हाँ, हम लोग एक साथ रह रहे, बहुत साल से रह रहे थे, तो उस हिसाब से हमको यहाँ चाहिए, यहाँ का जो अमन जो है यहाँ पर, तो ये बरकरार रहना चाहिए। वो यहाँ से कुछ नहीं होगा, वो ऐसी को कोई वोट नहीं देगा एकदम। वो जब आया ना सब शुरू हो गया, वो जो आया आदमी का मन में, जब बिहार में वो हराया फिर बंगाल में वो हराएगा, बीजेपी का कॉन्टेक्ट करके यहाँ आया। मुस्लिमों के बीच में अपनी सियासी फसल को जहर से सींचने वाले हैदराबाद के भाईजान के लिए बंगाल में दीदी असली मुसीबत नहीं है। असली मुसीबत वही मुस्लिम वोट बैंक है जिसके बलबूते ओवैसी बंग की जंग में कूद पड़े हैं। लेकिन बंगाल के इमाम एसोसिएशन ने साफ कर दिया है कि जो ओवैसी लोगों में नफरत पैदा करने वाली तकरीरें करते हैं, उन्हें बंगाल में घुसने नहीं देंगे। मैं ओवैसी साहब को चैलेंज दे सकते, आज तक, आज जब मैं बात कर रहा हूँ, आज तक बंगाल में एक भी आदमी का नाम बताइए जो मीम ऑल इंडिया MIM का
ऑफिशियल आदमी है कलकत्ता में, नॉट ए सिंगल वन। लेकिन जब एक आदमी बंगाल में उसको ऑफिशियल नहीं है तो फिर उसको लेकर क्या वो संभालेगा बंगाल में, मेरा नज़र में तो कुछ नहीं आ रहा है। तो शायद इसीलिए वो पीरजादा के साथ के पास गया है, एंड पीरजादा का तो अभी तक पॉलिटिकल आउटफिट घोषणा नहीं हुआ, वो क्या सोच रहे हैं अल्लाह मालूम, उसको मालूम है, लेकिन हम उसको कुछ वैल्यू नहीं दे रहे हैं। AIMIM की नज़र बंगाल की उन 98 सीटों पर है जहां मुस्लिम वोटर 30% से ज्यादा हैं, और इसके लिए ओवैसी ने फुरफुरा शरीफ में पीरजादा अब्बास सिद्दीकी से हाथ तो मिला लिया, लेकिन क्या ये गठबंधन किसी काम आ पाएगा? ये समझना बहुत जरूरी है कि वैसी कूद तो पड़े हैं, लेकिन क्या होने वाला है? क्या सचमुच बंगाल के मुसलमान उनको अपनाएंगे, या फिर बिहार जैसा हाल वो वहां पर क्रिएट कर देंगे और ममता दीदी के लिए चुनौती बनेंगे? लेकिन इस वक्त एक बड़ी खबर पाकिस्तान से आ रही है, आतंक पर पाकिस्तान का एक और झूठ बेनकाब हुआ है। आतंकी मसूद अजहर के पाक में होने की बात मानी है। गुजरांवाला कोर्ट से मसूद के लिए अरेस्ट वारंट जारी हो गया है। बता दें कांधार विमान अपहरण के बाद भारत ने मसूद अजहर को छोड़ा था, और लगातार इस बात पर पाकिस्तान झूठ बोलता रहा कि वो पाकिस्तान में नहीं है, लेकिन अब पाकिस्तान में उसके छुपे होने को लेकर पाकिस्तान का चेहरा फिर से बेनकाब हुआ है।